हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्वेल्थ क्लास का ये क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है वक्र y बराबर एक्स क्यू, ये y एक्स क्यू है, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 4x - 5 के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक कोई वक्र दे रखा है, वक्र की इक्वेशन दे रखी है, और उस इक्वेशन पर हमें x = 1 पर एक स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम देखें तो हमारा जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y - y1। ओके, यहाँ पर होता है m और x - x1। ओके, ये होता है, ये जो m होता है वो प्रवणता होता है, क्या होता है, प्रवणता, जिसे कहा जाता है प्रवणता। ओके, तो हमें इन देखिए y1 यानी कि इस y1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x1 कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि x1 और y1 कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, दूसरा हमें m फाइंड आउट करना है, यानी कि ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, दिया गया है हमें, गिविन है, गिविन कंडीशन है आपकी ये वाली, y = x³ + 3x² + 4x - 5। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x = 1 रखा, क्या रखा, x = 1। तो y का जो वैल्यू मिला वो मिला 1, 3 प्लस 4 और यहाँ मिला -5, तो ये हो गया 4, 4, 8, यानी कि 3, क्या आया, y = 3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट मिला मुझे x एंड y का जो कोऑर्डिनेट है, x = 1 और y = 3 आपको मिल चुका है। ओके, ये वाली वैल्यू आपको मिल चुकी है। अगेन आप देखेंगे, अब आपको चाहिए प्रवणता, प्रवणता के लिए आप जानते हैं प्रवणता क्या होता है, प्रवणता होता है dy/dx, प्रवणता होता है dy/dx। तो जो वक्र हमें दिया गया है उससे हमें प्रवणता निकाल लेना है। जब हमने वक्र देखा, उसका dy/dx किया, यानी इस वाली इक्वेशन का हम dy/dx करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² + 6x + 4, और यहाँ पर मैंने लगाया x = 1, यानी dx यहाँ पर आएगा आपका, एक्स होता है 1, 0, तो यहाँ पर आएगा आपका, ये जो है 1, 3 ले लीजिएगा, सॉरी 3 ले लेंगे, तो वाई इसमें है नहीं, ये 4 है। तो यहाँ पर देखा, आपका वैल्यू जो मिला वो मिला आपको 3 1² + 6 यानी कि 1, और यहाँ पर आपका मिला 4, ठीक है। तो ये आपको जो मिला वो 13 मिला, क्या मिला, 13 आपका हो गया m। अब आपका जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आप ये दोनों कोऑर्डिनेटर को रखेंगे और प्रवणता को भी रखेंगे। तो देखें, x - y - y1, यानी y - y1 का जो वैल्यू आया था वो था आपके सामने 3, यहाँ 3 हो गया। ओके, अब प्रवणता की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर आया प्रवणता = आया था 13 हो गया। यहाँ पर x और x - 1 जो है वो है आपका 1। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ से वैल्यू निकाला तो y - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 13x - 13। ओके, इस y को और पूरे टर्मों को आप जब इस साइड भेजेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 13x - y, और यहाँ पर हो जाएगा 13+3। तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 13x - y - 10, और यही आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा स्पर्श लाइन का। यानी कि देखिए, यहाँ पर स्पर्श लाइन, टेंजेंट की जब हम बात करें, स्पर्श रेखा, तो वो जो रहेगा टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा, वो यही रहेगा। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रहेगा, आंसर हो गया।